तैयारी भारत के नवनिर्माण की। एक इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा का केंद्र तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। टीएमयू में एमबीबीएस की व्हाइट कोट सेरेमनी में वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी पधारे। एमबीबीएस की व्हाइटकोट सेरेमनी में वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने अपने उद्बोधन में कहा, डॉक्टरों के लिए मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने ईश्वर के बाद डॉक्टर को सबसे बड़ा रक्षक बताते हुए उन्होंने मेडिकल में नवागत छात्र छात्राओं को अनुशासन, भौतिकवाद, मानवतावाद, ख्याति, समर्पण, विनम्रता, संवेदनशीलता, परोपकार का पाठ पढ़ाया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के कुलाध्यक्ष श्री अरविंद गोयल, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, गुरु वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन, बाल संरक्षण अधिकार आयोग के चेयरमैन डॉक्टर विशेष गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस, कांठ के विधायक श्री राजेश कुमार सिंह, मेयर श्री विनोद अग्रवाल, कुलपति प्रोफेसर आर के मुदगल, मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर श्री अजय पंत, मेडिकल डीन डॉक्टर नजमुल हुदा, भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री हरिओम शर्मा, नगर अध्यक्ष श्री महेंद्र गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति रही। सेरेमनी के आरंभ में एमबीबीएस के नवागत 150 छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा और अतिथियों द्वारा व्हाइट कोट पहनाया गया। कुलाध्यक्ष ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण, जबकि कुलाधिपति ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। प्रोग्राम में मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी श्री अशोक मित्तल की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सेरेमनी का संचालन डॉक्टर सीमा अवस्थी ने किया। इस मौके पर श्री सुरेश खन्ना जी बोले, का मन मस्तिष्क में जो कल्पना है उसको वो बनाए रखें, और जो ऊंचाइयों पर ले जाने की उनकी कल्पना है उसकी भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बहनों और भाइयों, ये आप खास तौर से, विशेष रूप से जो मेरे समक्ष जो छात्र छात्राएं बैठी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी के रूप में हमारी जीने की कुछ मर्यादाएं, समाज ये मान के चलता है कि जिसके पास विनम्रता, जिसके पास परोपकार और जिसके पास संवेदनशीलता होती है उसको हम अच्छे व्यक्ति के रूप में डिनोट करते हैं कि ये अच्छा आदमी। आज सिर्फ एक छोटा कार्यक्रम नहीं हो रहा बल्कि एक समाज को नई दिशा देने की शुरुआत हो रही है। डॉक्टर की हम लोग सभी कहते हैं इसका काम समाज को, समाज सेवा है, दीन लोगों की सेवा करना है। ये कितना अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि जहां मुफ्त में सेवा का मौका मिलता है, और ये यूनिवर्सिटी धन्य है कि आप तमाम ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ विद्यमान हैं और आज की शुरुआत कर रहे हैं। उसके लिए हमारे आदरणीय सुरेश जैन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, जो रात दिन इस चिंतन में लगे रहते हैं कि कैसे इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे एक से एक अच्छे स्टूडेंट्स इस राष्ट्र को दिए जाएँ। ताकि मैं सुबह से शाम तक इस प्रयास में रहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को और बेहतर कर सकूं, और उसमें हमारी पूरी टीम का सहयोग मुझे मिलता है। एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त बोले, मैं टीएमयू में 19 वर्षों से विकास यात्रा का साक्षी हूं। कुलाधिपति एक व्यक्ति नहीं, संस्था है। डायलॉग स्थापित करना 14,000 विद्यार्थियों के बीच और हजारों सम्मानित गुरुजनों के बीच और हजारों हजारों की संख्या में पेरेंट्स और गार्जियंस के बीच, उसके अतिरिक्त समाज के
विविध वर्ग के सभी के बीच संपर्क, सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने की। बाल संरक्षण अधिकार आयोग के चेयरमैन श्री विशेष कुमार गुप्ता बोले, टीएमयू की संस्कृति वैश्विक स्तर की है। मेडिकल के छात्र छात्राओं से उन्होंने विशेष आग्रह किया कि वे समाज में अमीरी और गरीबी की खाई को पाटते हुए कुपोषण के खिलाफ जोरदार अभियान चलाएं। कुपोषण की स्थिति है, उसको भी हमें जानने की आवश्यकता है। हमें समाज के बाहर अपने सामान्य अध्ययन के साथ में हमें ब्रिजिंग भी करनी है, विश्वविद्यालय और बाकी समाज के बीच में किस प्रकार से हम सेतु बन सकते हैं। समाज के आखिरी छोर पर रहने वाले वो लोग जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो समाज से परे हैं, जो वंचित हैं, उनको भी देखने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में निर्यातक श्री सतपाल पाली, श्री विनोद खन्ना, सुदेश्वर शरण, विनय गुलाटी, अविनाश अग्रवाल और गौरव अग्रवाल आदि मौजूद रहे। श्री सुरेश खन्ना जी ने टीएमयू हॉस्पिटल में मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा और फल भी वितरित किए।